हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ और अदर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। हम आपके लिए 5 सेकंड का समय देंगे। पहला इंदौर में, दूसरा ऑप्शन भोपाल में, तीसरा जबलपुर और चौथा ग्वालियर में। आपके पास 3 सेकंड का समय है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे छोटा दिन होता है। पहला 21 दिसंबर को, दूसरा 1 जनवरी को, तीसरा 1 दिसंबर को और चौथा 31 दिसंबर को। चलिए, 3 सेकंड समय मिला है आपको, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा 21 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का तार वायु में रखने पर कुछ समय बाद किसके कारण काला पड़ जाता है? पहला ऑप्शन नंबर पहला सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा सिल्वर सल्फाइड, तीसरा सिल्वर क्लोराइड और चौथा सिल्वर ऑक्साइड। चलिए, 3 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 5 मई, ऑप्शन नंबर 2 5 जून, ऑप्शन नंबर 3 18 मई और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली और चौथा बेंगलुरु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करिए। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, जिसे सोया राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है? पहला इंदिरा गांधी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा, जो पहले से लग गया है, सॉरी, महात्मा गांधी, जो कि 30 जनवरी को स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 10 नवंबर, 3 10 अक्टूबर या 4 24 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा
8 अक्टूबर नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयालम किस राज्य की भाषा है? पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया? ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3, सी राजगोपालचारी। और ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस। चलिए फ्रेंड्स, यहीं से वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।